मोदी कैबिनेट के विस्तार की चर्चाएं तेज हो गई हैं। इस महीने के आखिर तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैबिनेट का विस्तार कर सकते हैं। माना जा रहा है कि जिन राज्यों में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, उन राज्यों में सोशल इंजीनियरिंग को ध्यान में रखते हुए मंत्रिमंडल में तरजीह दी जाएगी। इसके अलावा क्षेत्रीय दलों के नेताओं को मंत्री परिषद में शामिल कर एनडीए के कुनबे को भी बढ़ाने की तैयारी है। जानिए कैबिनेट में किस राज्य में कितने मंत्री बन सकते हैं, कौन कौन से चेहरे हैं और किनका प्रमोशन हो सकता है। मंत्रिमंडल में इन दो बातों पर रखा जा रहा है विशेष ध्यान। हाल के दिनों में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सरकार और संगठन के बीच कई दिनों तक लंबी बैठक हुई है, जिसमें मौजूदा मंत्रियों के कामकाज की समीक्षा की गई है, जबकि नए चेहरों के चयन पर भी विचार किया गया है। सूत्रों की माने तो मंत्रिमंडल में दो बातों का विशेष ध्यान रखा गया है। पहला 2022 में उत्तर प्रदेश समेत 6 राज्यों में होने वाला विधानसभा चुनाव, दूसरा एनडीए के कुनबे को बढ़ाने पर जोर है। किस राज्य से कितने मंत्री बन सकते हैं? उत्तर प्रदेश से 3, उत्तराखंड से 1, गुजरात से 1, गोवा से 1, हिमाचल प्रदेश से 1 और पंजाब से 1। इस बार क्षेत्रीय दलों को भी साधने की तैयारी है। इन चेहरों को मिल सकता है मौका। यूपी के पूर्वांचल से एक ब्राह्मण चेहरे को मौका मिल सकता है, क्योंकि मोदी सरकार एक्स में कलराज मिश्र और शिव प्रताप शुक्ल मंत्री रह चुके हैं, लेकिन उनके बाद से मोदी सरकार 2 में गोरखपुर बेल्ट में किसी को मौका नहीं मिला है, जबकि शिव प्रताप शुक्ल, हरीश द्विवेदी, रमापति राम त्रिपाठी, सीमा द्विवेदी, विजय दुबे, रवि किशन शुक्ला, हरिद्वार दुबे जैसे ब्राह्मण सांसद पूर्वांचल से आते हैं। यूपी सरकार में इस बार ब्राह्मणों को साधने की चुनौती भी बीजेपी के सामने है, जबकि बीजेपी एक ओबीसी और एक दलित चेहरे को भी तरजीह देना चाहती है। ऐसे में पार्टी ओबीसी चेहरे के रूप में बांदा से सांसद आर के सिंह पटेल, एसपी बघेल और रेखा वर्मा में से भी किसी एक पर दांव लगा सकती है, जबकि दलित चेहरे के लिए पूर्व आईपीएस दलित नेता ब्रजलाल, विनोद सोनकर या बीपी सरोज से भी किसी एक की लॉटरी लग सकती है। यूपी से कौन? यूपी के 2 क्षेत्रीय दल अपना दल और निषाद पार्टी के एक एक नेता को भी कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है। ऐसा हुआ तो अनुप्रिया पटेल और प्रवीण निषाद को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। इससे न केवल ओबीसी वोटरों में पकड़ मजबूत होगी, बल्कि एनडीए का कुनबा बढ़ेगा। उत्तराखंड से कौन? इसी तरह उत्तराखंड से अनिल बलूनी या अजय टमटा में से किसी एक को शामिल किया जा सकता है। पंजाब से कौन? पंजाब से दलित नेता केंद्र सरकार में राज्य मंत्री सोमनाथ को प्रमोशन मिल सकता है। मध्य प्रदेश से कौन? मध्य प्रदेश से ज्योतिरादित्य सिंधिया, छत्तीसगढ़ से रमन सिंह या सरोज पांडे में से एक कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है। किनका प्रमोशन हो सकता है? पश्चिम बंगाल से निशीद प्रमाणिक या दिलीप घोष। हिमाचल प्रदेश में मंत्रिमंडल में शामिल अनुराग ठाकुर को प्रमोट करके स्वतंत्र प्रभार दिया जा सकता है। असम से पूर्व मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल को केंद्रीय कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है। देश और दुनिया की हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।